नकाब, ये वो चीज है जो असलियत को छुपाता है और सच को सामने आने नहीं देता। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जाने अनजाने में हम सब अपनी जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में नकाबों को पहनते हैं। इंसान कई कारणों की वजह से नकाबों को पहनता है, लेकिन इन सब में से मुख्य बात यही है कि वो अपनी असलियत को छुपाने की कोशिश करता है ताकि वो समाज में अपनाया जाए। दिल में चाहे कुछ भी चल रहा हो, पूरी जिंदगी इंसान बस यही सीखता है कि अगर वो उस नकाब के पीछे छुपा रहेगा तो समाज में उसके लिए एक जगह है। सोशल मीडिया के इस युग में फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट आदि में लोग दिखाते तो है कि वो कितने खुश हैं, लेकिन इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे उनका दर्द, अकेलापन और दुख है। इन्हीं सब बातों का पीछा करते हुए मनुष्य अपनी पहचान खो बैठता है। वो नहीं समझ पाता कि वो अपने ही नाश की ओर भागा जा रहा है और मुक्त होने की कोई राह ना दिखने के कारण वो इसी गहरे गड्ढे में और गिरता जाता है। अब हम कुछ ऐसी जिंदगियों को देखेंगे जिन्होंने अपने दिल की सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ ऐसे ही मुखौटों को पहन रखा है।
है ये लोग, ये मैं और आप हैं। ये वही लोग हैं जिनके साथ मैं और आप उठते बैठते हैं, जिन्हें हम हर रोज देखते हैं। हर जीवन में एक खालीपन है, वो खालीपन जो हम जितना भी भरना चाहें कभी नहीं भर पाते। हम कोशिश करते तो हैं उसे भरने की, पैसों से, शोहरत से, ताकत से और पल भर की खुशियों से, पर इन चीजों की दौड़ में हमारे दिल भर जाते हैं दुख, दर्द और अकेलेपन से। क्या ऐसा कोई है जो जानता है हमारी असली पहचान को? क्या ऐसा कोई है जो अपनाता और प्रेम करता है उन टूटे हुए दिलों और जिंदगियों से जो इन नकाबों के पीछे है? यीशु, वो सृष्टि करता जिसने आपको और मुझे बनाया है, वो जानता है हमारी असली पहचान को, दिलों के दर्द और खालीपन को। जी हाँ, यीशु ही वो नाम है जो हमारे खालीपन को दूर करने और हमें बचाने को इस जगत में आया। आज से 2000 साल पहले यीशु कुमारी मरियम के द्वारा इस दुनिया में आया। वो खुदा जिसने इस जहां को बनाया, वो एक नाजुक शिशु के रूप में आया, हमें से एक बनकर जिया। यीशु और पूरी मानव जाति में सिर्फ एक ही अंतर था कि वो बिना पाप के जन्म पाया और बिना पाप के जिया। यीशु जब इस पृथ्वी पर इंसान बनकर जिया, उसने लोगों से प्यार किया, बीमारों को चंगा किया और कई जीवनों को बदला। यीशु बिना पाप के जिया, लेकिन हम में से हर एक के पापों को उसने क्रूस पर उठाया और वो हमारे लिए बलिदान हुआ। पर खुशखबरी ये है कि वो कब्र में नहीं रहा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने मृत्यु पर जय पाई। यीशु आज भी जिंदा है और वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। कब तक इन नकाबों से हम अपने जीवन की असलियत छुपाते रहेंगे? कब तक इस झूठ की जिंदगी जीते रहेंगे? आओ, अब समय है सच से रूबरू होने का, सच को अपनाने का। यह सच आपसे प्रेम करता है और इस सच का नाम है यीशु मसीह। प्रभु, तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु,
तू है महिमा प्रधान सेना भीष्म प्रभु, तू है महिमा प्रधान सेना भीष्म प्रभु, राज करे वो हम पर उसके रूह का तमसा हम सब पर, राज करे वो हम पर उसके रूह का तमसा हम सब पर। तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु, तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु, तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु, तू है महिमा प्रधान सेनाधीश, तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु, तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु, तू है महिमा प्रधान सेनाधीश प्रभु।